हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले मैथ के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस आपका अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और देखिए दोस्तों, जो लाइव टेस्ट चलता है आपका रात को 10 बजे, उसको जरूर देखिएगा। तो उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है तो बहुत सारे बच्चे उसको मिस कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन है रेशो के। मैं 3 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पिछले कई सालों से, और पिछले अभी जो आपका ALP और ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है इसमें भी ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इनको एक बार देख लीजिए, बहुत ही आसान से हैं, और आगे भी आपके RPF और जो SI कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है तो इसमें भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि ए और बी का रेशो दे दिया गया 3:4, बी सी का रेशो दे दिया गया 8:9, और ए बी सी का रेशो पूछ लिया जाए। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, उल्टा एन, ठीक है। एन हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, बस आपको रखना है उल्टा एन आपको बनाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 3A और B का रेशो 3:4 है और BC का रेशो 8:9 है, तो दोनों आपको लिख लेना है बिल्कुल वैसे ही, और आपको जिस तरीके से मैंने बताया उल्टा n, तो इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो A का रेशो आ जाएगा, फिर क्रॉस करेंगे इस तरीके से डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी का आ जाएगा, और फिर लास्ट वाले करेंगे तो सी का आ जाएगा। तो यहाँ पे ए की हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आया 24, तो 24 ए का रेशो आ गया। फिर इनकी करेंगे तो बी का आ जाएगा, और इन दोनों की करेंगे तो सी का रेशो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कट करिए, फिर उसके फाइनल में जो बचेगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका 4 से कट सकता है, ठीक है। तो 4 से कट करेंगे 24 को तो 6 टाइम जाएगा, 32 को कट करेंगे 8 बार जाएगा, और 36 को करेंगे 9 बार जाएगा, तो 6:8:9 आपका राइट आंसर बन जाएगा। कई बार यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कि ए और सी का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ए और सी का रेशो सिर्फ यहाँ पे पूछा जाता, ए और सी का रेशो, ठीक है, तो आपको क्या करना था, 6 और 9 लिखना था, फिर ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते थे, किससे, ये 3 से हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो 2:3 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए और सी का हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एडवांस अगर कर दूं तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ए बी का रेशो 4:5 और सी और बी का रेशो, ध्यान से देखिएगा, ए और बी, और बी और सी का नहीं दिया गया, सी और बी का रेशो दे दिया गया और ए बी सी का पूछ लिया गया। तो कुछ भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है उल्टा एन, ठीक है। अभी भी आपको उल्टा एन ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, बस एक चीज़ और याद रखिए, ए और बी का रेशो आपको 4:5 दिया गया है तो 4:5 लिख लिया, बी और सी का रेशो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, ए बी बी सी, तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि ए बी का रेशो लिखने के बाद में सी और बी का, सी बी का मत लिखिएगा, बी और सी का ही लिखना है, यानी कि ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से ही आपको लिखना है। अगर सी और बी का दे रखा तो ऐसे नहीं लिखना है, आपको बी सी का ही लिखना है, ठीक है। तो ए बी का तो आपने लिख दिया 4:5, अब बी और सी का रेशो क्या होगा, 8:3 होगा, 3:8 लिखा ना, इसको 8:3 लिखिए भाई, समझ रहे हैं ना जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, और बस फिर आप उल्टा एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे इन दोनों की करेंगे तो एक आ जाएगा, ए का कितना 32, इधर करेंगे तो बी का आ जाएगा, और इधर करेंगे तो सी का आ जाएगा, तो 32:40:15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी कॉमन नंबर से नहीं कट हो सकते तो आपका ये रेशो हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये तो क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था ग्रुप डी में भी, ठीक है, इससे ऊपर वाला भी पूछा गया था और ये भी पूछा गया था, तो इसको कैसे करना है भाई, देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा लेंथी कर दिया गया है, अभी तक हमने क्या पढ़ा ए बी बी सी तक, अब की बार सी और डी भी ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे ए और बी का रेशो 1:3, बी सी का रेशो 5:7 और सी और डी का रेशो 9:7, इस तरीके से लिखने के बाद में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस लाइन की मल्टीप्लाई करती तो ए का रेशो, और लास्ट वाले की करती डी का रेशो, बचा आपका बी और सी। कई बार तो आपको यही पूछ लिया जाता है कि ए और डी का रेशो बता दीजिए, मतलब अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको करना वैसे ही। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस इसकी मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने से तो बी का रेशो आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई प्लस इस लाइन के दो इनकी मल्टीप्लाई करने से सी का रेशो आएगा, ठीक है भाई। एक दो बार क्वेश्चन को करके देखिए, कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है ये। तो इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करेंगे 45, इन दोनों की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो 135,
फिर हमने क्या क्या 9 की 7 में, 7 की फिर इसकी 3 में करेंगे तो 189, और पूरी इस लाइन की करेंगे तो 147 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो ये रेशो आए हैं 45, 135, 189, 147, अब किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 3 से कट हो जाएंगे तो 3 से कट करेंगे 15 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे 3 से कट करेंगे 45, और 3 से कट करेंगे 63, और 3 से कट करेंगे 49। तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 15:45:63:49। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन तीनों समझ में आ गए होंगे, और पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन फिर दोबारा से आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, डिजिट चेंज हो सकती हैं, बट ये क्वेश्चन एक दो बार तो जरूर पूछ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं इसमें आपका, क्योंकि इसी क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है ए तथा बी और बी तथा सी की काम को क्रम 12 तथा 6 से 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है जो जितने दिन में काम करता है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ए और बी मिलकर, और बी और सी मिलकर कितने में कर रहे हैं, ए और बी तो 12 दिन में कर रहे हैं तो मैंने लिख लिया, बी और सी कितने में कर रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, 6 से 2/3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 20/3। ठीक है, 36 18 18+2 2 यानी कि 20 20/3 मैं इसको लिख सकता हूँ, तो बी और सी 20/3 दिन में करते हैं। एक तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जब यहाँ पे फ्रैक्शन में होता है तब एलसीएम लेके कैसे इस क्वेश्चन को करें, तो ये डाउट तो आपका अभी क्लियर हो जाएगा। जब भी इस तरीके से आपकी वैल्यूज होगी, ठीक है, फ्रैक्शन में, उसका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बाकी का आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। यदि ए इस काम को 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई ए भी पूछा जा सकता है, बी भी पूछा जा सकता है, सी भी पूछा जा सकता है, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप किसी का भी पूछ रहे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20/3 है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, जो नीचे 3 है इसको भूल जाते हैं, आपको 12 और 20 का एलसीएम लेना है, 12 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, एलसीएम अगर आपको नहीं लेना आता है तो आप कोई भी यहाँ पे संख्या रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी वो संख्या रखिए कि इन दोनों से भाग हो जाए। अगर इन दोनों से भाग नहीं होगा तो पॉइंट में वैल्यूज आएंगी, और पॉइंट में वैल्यूज आएंगी तो आपका क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका इजीली डिवाइड हो जाए, तो 60 आपने रखा, 12 से भाग किया तो 5 आ गया, यानी कि ए और बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं। 60 को 20 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 की फिर 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस 3 का अब यूज होगा, भाई 60 को मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर डे वर्क निकालना है ना कि बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, तो कितना आएगा 3, और 3 की 3 में कर देंगे तो ई हो जाएगा 9, तो बी और सी मिलके कितना करते हैं 9। ठीक है, तो 9 यूनिट वर्क एक दिन में करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए इस काम पर 3 दिन काम करे, ए इस पर एक 3 दिन काम करे। अब ए का तो अकेले का मुझे नहीं पता है वर्क कितना करता है, बट मुझे पता है ए और बी दोनों मिलके 5 यूनिट वर्क कर लेते हैं। और यहाँ पे बोला गया बी अकेला इस पर 4 दिन काम करे, भाई बी भी 4 दिन कर रहा है, ए भी 3 दिन कर रहा है, तो इसका मतलब मैं ये ए और बी को मिला के 3 दिन करा लेता हूँ सबसे पहले। तो ए और बी को 3 दिन कराऊंगा, तो 3 दिन में कितना करेंगे ए और बी, ए और बी एक दिन में 5 करते हैं तो 3 दिन में 15 यूनिट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे बी पे 4 दिन कराना था, बी ने 4 दिन में से 3 दिन तो यहाँ पे कर लिया, बी का बचा 1 दिन। अब ए बी का भी 1 दिन का हमें नहीं पता कितना करता है, बी और सी का पता है एक दिन में कितना करते हैं, 9 यूनिट को वर्क करते हैं, तो बी और सी को करा लेते हैं। बी और सी को 1 दिन कराएंगे तो ये कितना करेंगे, 9 यूनिट वर्क। तो यहाँ पे अभी तक कितना वर्क हो चुका है, 15 और 9, यहाँ पे 15 और 9 यूनिट वर्क, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 24 यूनिट वर्क हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला जा रहा था कि बचे हुए काम को 4 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है। अब 7 दिनों में कर लेता है ना, बट सी ने यहाँ पे 1 दिन कर लिया, तो इसका मतलब अब सी 6 दिन में वर्क करेगा जो बचा हुआ कार्य होगा। अब बचा हुआ कार्य है कितना भाई, 15 और 9 कितना हो गया, 24, 60 में से 24 को माइनस करिए कितना आएगा, 36। तो इसका मतलब बचा हुआ कार्य कितना है, 36 यूनिट, ये यूनिट कितना है, 36 यूनिट कार्य बचा हुआ है, और इसको करेगा कौन, सी, सी इसको करेगा, तो 36 को 6 से भाग कर दीजिए कितना आ जाएगा, 6 6 36 6 यूनिट, यानी कि सी अकेला एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है।
भाई अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे पूछा किसका गया है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, मुझे ए का निकालना है ना कि ए एक दिन में कितना करता होगा। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, बट आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बी और सी का मुझे मिल गया 9 यूनिट वर्क, और सी का अकेले का मिल गया 6 यूनिट वर्क। तो इस 9 में से 6 को माइनस करूंगा तो किसका आएगा, बी का। बी का 3 यूनिट वर्क आ गया। अब बी अगर 3 करता है, ए और बी का मुझे पता है 5 यूनिट वर्क, तो 5 में से 3 माइनस कर दूंगा तो ए का आ जाएगा कितना, 2 यूनिट वर्क। ए का 2 यूनिट वर्क आ गया। तो पूछा कितना है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 60 को 2 से भाग कर देंगे ना, तो 30 डेज लगेंगे। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 30 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन का नंबर है 4, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, हमें दोबारा बताइएगा, तो मैं आपको दोबारा भी बताने के लिए तैयार हूँ। ऐसे करता हूँ कि समझ में तो आ ही गया होगा, अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। एक व्यक्ति यानी कि फादर, मदर और सन। मैं बोल सकता हूँ कि एक व्यक्ति फादर और उसकी पत्नी यानी कि इस बेट इसके लड़के की मदर और ये सन, तीन बंदों की जो औसत आयु थी विवाह से पहले 42 वर्ष थी। इसके ठीक एक वर्ष बाद, एक साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, 42 वर्ष थी, इसके ठीक एक वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, तब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष की थी, तब इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय पुत्र वधू की आयु कितनी थी, यानी कि उसकी वाइफ की, जो सन का ब्याह हुआ था, इस लड़के का ब्याह हुआ था, उसकी वाइफ की यहाँ पे एज पूछ ली गई है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बिल्कुल भी घबराइए मत, क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से होने वाला है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बताया गया कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष है, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों की टोटल आयु कितनी है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो 42 की मैं 3 में मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा, 126, ठीक है। 126 यहाँ पे आ गया। फिर शादी हो गई, भाई अब शादी हो गई तो इसका मतलब एक वाइफ और फिर एक साल बाद उनके एक बच्चा भी हो गया, इसका मतलब फैमिली मेंबर कितने हो गए, पहले 3 फैमिली मेंबर थे, अभी फैमिली मेंबर 5 हो गए, सन की वाइफ और प्लस उसका बेटा जो एक लड़का भी हो गया एक साल बाद, तो कितने मेंबर हो गई है, अभी हो गए हैं 5 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। तो इनका अब औसत कितना हो गया, औसत हो गया 36 वर्ष। तो 5 की मल्टीप्लाई मैंने 36 में की तो कितना हो गया, 180। अब मुझे ये बताइए कि पहले इन 4 का जो सम था एज का वो 126 था, और जब ये 5 मेंबर हो गए इनका 180 हो गया। ये जो डिफरेंस आया किस चीज़ का है, ये डिफरेंस आपका आया है इसकी वाइफ और उसके सन का, तो ये कितना है, 54 है, ठीक है भाई। अब इस 54 में से 5 साल तो मैं माइनस करूंगा, जो ये 5 साल बाद की एज बताई गई है, ये जो 36 है ये आपकी 5 साल की एज की, 5 साल की एज बाद की एज बताई गई है ना, तो सभी की इसमें 5 साल की एज भी ऐड होगी, तो 5 साल तो मैं ये माइनस करूंगा, बचा कितना, 49। अब इस 49 में से जो ये 6 मेंबर हैं आपके, जो ये 6 मेंबर हैं इनकी भी एज माइनस, सॉरी ये आपका, सॉरी 4 मेंबर की 6 साल माइनस करूंगा, क्योंकि बच्चे की ये माइनस मैंने कर दी है, ये 5 साल बच्चे की हुई है। अब ये 6 साल जो है आपकी 4 मेंबर की, ये माइनस करूंगा, 6 चौक 24 ये माइनस करूंगा। तो जब शादी हुई थी तो पुत्र वधु की जो एज थी 49 में से मैं 24 को माइनस करूंगा, वो 25 थी। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम रही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोने और तांबे के 2 मिश्र धातु के क्रम 7:2 और 7:3 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघालकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। बताएं तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे सोने और तांबे के मिश्र धातु के क्रम जो दे रखे हैं यहाँ पे, इनका हम अलग अलग से प्लस करके निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो सोना और तांबे का मिश्र धातु है 7:2 में और 7:11 में, दो अलग अलग धातुएं में, मतलब अलग अलग पात्र मान लीजिए, दो अलग अलग बर्तन में, उनको मैं अलग निकाल लूँगा, यानी कि सोना टोटल कितना है और तांबा कितना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे सोने की अगर मैं बात करूँ तो 7/9 तो आपका सोना हो जाएगा इस पहले वाले में, ठीक है। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, 7/18। तो दोनों सोने को अगर मैं मिला लेता हूँ, 21/18 आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तांबे की बात करूँ तो 2/9 और 11/18,
और इनको प्लस करूँगा तो 15/18 हो जाएगा टोटल तांबा। तो आपका ये आ गया 21/18 और 15/18, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है, पिंगाल कर तीसरे मिश्र धातु में बनाई जाए, तो बताए तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आपका यही अनुपात है, क्योंकि ये हमने दोनों के दोनों अलग अलग मिला लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, 18 है दोनों में कॉमन, तो 21:15 का आपका रेशो बन जाएगा। ठीक है, जब भाई दोनों नीचे कॉमन है तो हम इसको कट कर देंगे, या फिर आप एलसीएम लेंगे तो तब भी आपका 21:15 ही आएगा। तो 21:15 आपका ये आ गया क्या रेशो। अब ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकता है तो कट कर दीजिए, अदरवाइज आपका ये रेशो रहेगा। 3 से कट हो सकता है तो आपका 7 3 21 होता है, तो 7 3 से कट जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, और ये 3 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, तो 7:5 का आपका राइट आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यानी कि आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर ये पूछ जाए कि तीसरे बर्तन में किस रेशो में मिलाया जाए, तो आपको क्या करना है, सोने को अलग अलग प्लस करके निकाल लीजिए दोनों के दोनों बर्तन में से। ठीक है, दो अलग अलग बर्तन है ना, ये दो अलग अलग चीज़ों में मिलाए जा रहे हैं, बट दोनों में सोने और तांबे का जो मिश्रण है वो अलग अलग है। तो आपको यहाँ इसमें से भी सोने का निकाल लेना है, इसमें से भी सोने का निकाल लेना है, उनको अलग प्लस कर लेना है, और इसमें से आपको तांबे का निकाल लेना है, इसमें से भी तांबे का निकाल लेना है, उनको अलग प्लस कर लेना है, वही आपका रेशो बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं, बड़ा ही सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कराया था, बट दोबारा से करा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, बट मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा है, जिसमें 5 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही एक दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है, और यह क्रिया 3 बार की गई है, अंत में बर्तन में पहले द्रव्य की मात्रा कितनी रह जाएगी, ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक है, ये याद रखिएगा, एक्स 1 - y / x और आपका ये हो जाएगा n। तो यहाँ पे इस ट्रिक को याद रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी और आपका आंसर आ जाएगा। और इसी ट्रिक से मैं आपको एक क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, तो इस वीडियो को देखते रहिए। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा गया, तो ये आपके 50 लीटर जो द्रव्य है ये हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 5 लीटर द्रव्य निकाला जा रहा है और उतना ही दूसरे द्रव्य डाल दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, 1 - 5/50, क्योंकि ये वाई क्या होगा, जो द्रव्य निकाला जा रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यह क्रिया 3 बार की जा रही है, 3 बार की जा रही है, तो ये एन जो है आपका ये 3 बार हो जाएगा, यानी कि एक ही चीज़ को 3 बार रिपीट किया जाएगा। 5 लीटर द्रव्य निकाला जाएगा, फिर उतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया जाएगा, फिर 5 लीटर द्रव्य निकाला जाएगा, फिर उतना ही दूसरा द्रव्य डाल दिया जाएगा, ये 3 बार किया जाएगा। तो आपको 3 बार यहाँ पे लिख देना है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसको मैं सोल्व करता हूँ, 45/50 लिखा है, तो इसको 45/50 तीन बार लिख लेता हूँ, क्योंकि 45/50 का आप क्यूब करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और बहुत सारे बच्चों से नहीं होगा। तो आपको 45/50 तीन बार लिख लेना है। अब इसको कट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही कट हो जाएंगी, जैसे 50 से 50 कट हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका कट हो जाएगा 5 से, ठीक है, 10 बार, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 9 टाइम, ये भी आपका 9 टाइम, ये भी आपका 10 बार, और ये आपका हो जाएगा फिर 5 × 10 और 5 से 9 बार जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं 9 × 9 × 9 करूँगा, और नीचे क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 729/20, और इसको डिवाइड करूँगा 36.45 आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए पहला मेथड था, फॉर्मूला आपको ये यूज करना है। अभी इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको कराने वाला हूँ, और आपको पसंद भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा। ये पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक करिएगा भाई, ठीक है। अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो इसमें बोला जा रहा है कि एक पात्र में 60 लीटर अल्कोहल रखा है, एक पात्र है, एक बर्तन है, उसमें 60 लीटर अल्कोहल है, उसमें 10 लीटर अल्कोहल निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, इसके बाद 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, पुनः 12 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, अंत में पात्र में शुद्ध अल्कोहल कितनी रह जाएगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस पता है क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक ही चीज़ को बार बार निकाला जा रहा था, इस वाले क्वेश्चन में है कि पहले 10 लीटर निकाला, फिर 15 लीटर निकाला, फिर 12 लीटर निकाला गया, तो यानी कि 3 बार 3 अलग अलग क्वांटिटी को निकाला गया है। तो आपको यही फॉर्मूला 3 बार अप्लाई कर देना है, बस इतना ही डिफरेंस है ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या करना, x 1 - y / x, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 60 लीटर है टोटल अल्कोहल, तो 60 लिख लेना है, 1 - ये आपका क्या करना है, 10 लीटर निकालेगा 10/60, यहाँ पे दूसरा 15 निकालेगा तो 1 - 15/60, और तीसरा 12 लीटर निकालेगा तो 1 - आपका 12/60। इसको सोल्व कर लीजिए जल्दी से, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर है।
तो इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा भैया आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 50/60, ये हो जाएगा 45/60, ये हो जाएगा आपका 48/60। ठीक है, जितनी चीज़ें कट हो सकती है उसको कट कर लेते हैं। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 5 से जाएगा 9 टाइम, ये जाएगा 12 टाइम, ये जाएगा आपका 24 टाइम, 2 से ये जाएगा 30 टाइम। और कुछ चीज़ें कट हो सकती हैं, देखिए आप इसको जितनी आपकी कैलकुलेशन मतलब शार्प है, जितनी तेज़ है, आप उसको इन क्वेश्चन को उतना ही जल्दी कर सकते हैं। मैं आपको एक मेथड सिखा देता हूँ, मेथड के बाद में आपकी पे ही डिपेंड करते हैं कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ पे जैसे 6 से अब 60 जाएगा 10 टाइम, ठीक है, और ये आपका 12 से चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 से 3 × 9, और ये भी चला जाएगा आपका 12 से 24 चला जाएगा 2 बार, फिर आपका ये 30 चला जाएगा 3 से 10 बार, ठीक है, इधर से 3 से, और ये 2 से चला जाएगा 5 टाइम। तो इसी तरीके से आपने पूरा कर दिया, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर क्या बचा, 5 × 3 = 15 और 15 × 2 = 30, तो आपका 30 लीटर बच जाएगा लास्ट में फाइनल वैल्यू, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए अलग अलग निकाली जा रही है, तो आपको इसी फॉर्मूले को 3 बार अप्लाई कर देना है। अगर एक ही क्वांटिटी को बार बार रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको उसी फॉर्मूले को लिख करके एन यानी कि उसी के आपको एक बार बोला जा रहा है, एक तो मतलब ये है ही, दो बार बोला जा रहा है तो दो, तीन बार बोला जाए 3, और यहाँ पे 4 बार बोला जाए तो 4 बार, वहीं पे आपको उसकी पावर बढ़ा देनी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, पूरी वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में थे इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। प्लेलिस्ट बना के मैंने रीजनिंग की भी, मैथ की भी, ऑनलाइन टेस्ट की भी, सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, और इनकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर टॉपिक स्टडी, तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे और आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ऑल दी बेस्ट, लगे रहिए, और आपका जल्दी एग्जाम आने वाला आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का, और आपके लिए मैं टेस्ट सीरीज की भी जो प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज अरेंज करवा दीजिए, वो भी मैं कर रहा हूं। बाकी ऑनलाइन टेस्ट आपका 10 बजे होता है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।